हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आज मैं कुछ बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए क्या क्या लिया है पहले मैं आपको दिखा दूँ। सीज़र लिया है, सेलो टेप लिया है, सेलोफिन पेपर लिया है, और लिया है एक दो क्लिप। क्यों लिया है आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपना सीक्रेट। अच्छा सीक्रेट, हाँ सीक्रेट, एक्चुअली सीक्रेट नहीं, तरीका। ये जो पेपर आप देख रहे हो ये सेलोफिन पेपर है, और इसी से मैं अपना कोन बनाती हूँ। हाँ मैं कोन अपने से बनाती हूँ, मैं बाज़ार का ख़रीदा हुआ ही कोन लेके आती हूँ, और उसके बाद मैं उसको इसी पेपर में डाल के उसको कोन बनाती हूँ। अब कोन कैसे बनाती हूँ मैं वही सिखाऊंगी आज। और तो आज का वीडियो थोड़ा बड़ा है, मगर आप लोगों को समझ में आएगा कि आज का वीडियो मैंने क्यों बनाया। तो आप सेलोफिन पेपर लीजिए और उसको प्लीज़ समान हिस्सों में ऐसे समान कर लीजिए, सॉरी। और अगर आप लोग ये पूछोगे कि क्यों जो बाज़ार में कौन मिलता है उसमें क्या ख़राबी है, नहीं उसमें कोई ख़राबी नहीं है, मगर मैं पर्सनली जो समझती हूँ कि जो अपने हाथ से बनाए हुए कोन में बहुत फ़र्क होता है, उसमें मेहंदी का काम और हाथ दोनों सही रहते हैं। आप लोगों ने फेस तो किया होगा, मानो ना मानो, कि जो ख़रीदा हुआ कोन होता है वो कभी कभी जो उसमें हवा भरा होता है काफ़ी, और इसी की वजह से हमारे हाथ को दर्द हो जाता है। तो इसी वजह से मैं अपने घर में ही कोन बना के उसको यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो इसी वजह से आज का ये वीडियो, बहुत लोग चाहेंगे कि अपना कोन खुद बनाएं, और बहुत ही इजी तरीके से आप बाज़ार से कोन लेके आओ, मगर आप कोन घर में इस प्लास्टिक से बनाओ। ये 3-4 रुपये का आपको मिल जाएगा, और सेलो टेप तो रहता ही है सबके घर में, बस इतनी सी चीज़ की ज़रूरत है। और 10 रुपये का या 20 रुपये का एक कोन आएगा, तो अब उसको एक कोन को दो बना लीजिए, मैं ऐसा ही करती हूँ। तो अभी आप देख लो मैंने क्या किया, मैंने जो पेपर था उसको समान हिस्सों में बांट के उसके जो छोड़ बंद है उसमें मैंने ए साइड और बी साइड में, आप लोगों को समझाने के लिए बोल रही हूँ, उस पर क्लिप लगाया है ताकि वो पेपर सेट रहे और हिले ना। तो ऐसे ही मैं काटती हूँ, और आप लोगों के साथ भी मैं यही ट्रिक शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे बड़ी आसानी से आप लोग अपना जो सेलोफेन पेपर है या मेहंदी बनाने का जो तरीका है, आप लोग मेहंदी का कोन बनाने का एक्चुअली जो तरीका है वो जल्दी से हो जाए। बहुत ईजी है, आप पूरा वीडियो आज का देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सेलोफिन पेपर काटने का ये सबसे आसान तरीका है कि दोनों छोरों में ऐसे ही क्लिप लगा लीजिए, तो मैं ऐसा ही करती हूँ। अब मैं सेलोफिन पेपर यूज़ करती हूँ, और बहुत लोग जो प्लास्टिक रैप्स आते हैं जिसमें हम लोग गिफ्ट जो रैपर होते हैं जिसको गिफ्ट रैपर कहते हैं उसका भी यूज़ किया जाता है। तो मैंने बहुत सारी प्लास्टिक्स यूज़ करने के बाद मैं सेलोफिन पेपर में ही आई हूँ, और ये सेलोफिन पेपर ही मुझे बेस्ट लगता है क्योंकि मैं इसको ठीक काटती हूँ। आप देख लो मेरी हथेली की जो साइज़ है उसी साइज़ का, यानी ऑलमोस्ट हाथ को मैं फैलाऊँ तो, अच्छा मैं बता देती हूँ इंच में ही आप लोगों को कि किस साइज़ में काटना है। आप कुछ 7x4 आप चाहे तो इस वक्त रूलर का यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं ऐसे काटती हूँ, ये आसान भी हो जाता है। तो अब उस पेपर को मैंने जो दो हिस्सों में बांट लिया था, अब उसको मैंने फोल्ड किया है काटने के लिए, और अभी भी मैं वही ट्रिक यूज़ कर रही हूँ, और इसमें डबल पेपर है तो इससे जल्दी हो जाता है। तो आप देख सकते हो मेरी हथेली जो जितनी है उतनी ही इसकी साइज़ है, मतलब 4x7 मैं पेपर जो होता है वो काटती हूँ, या फिर 5x8 इतना मैं पेपर
काटती हूँ। जब बड़े कोन बनाने होते हैं तो 8x5 का काटती हूँ, वरना 4x7 का। और ये जो आप देख रहे हो अभी, ये 4x7 का है। तो अभी एक लिया है मैंने, और एक्चुअली दो थे, आप लोगों ने देखा होगा मैंने दो निकाला था प्लास्टिक। और मैं अब ये 7x4 का जो पेपर है उसको मैं दोबारा से ऐसे ही कैंची के सहारे काटूंगी, और इससे हम लोगों को इजीली मिल गया हमारा कोन का पेपर। बहुत इजी है, मैं बहुत आसानी से ये करती हूँ। हालांकि पहले पहले थोड़ा पेपर के साथ उलझ जाती थी, मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मैं वैसे भी आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे मेहंदी कोन बना सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा तो मैं दे दूँगी सजेशन में, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। और आज मैं फिर आप लोगों को आसान तरीके से, आसानी से कैसे बनाते हैं वो भी दिखा रही हूँ। मैं ऐसे ही अपने हाथों से ये कोन बनाती हूँ, और उसके बाद बाज़ार से लाया हुआ जो कोन होता है उसको मैं काट के इसमें फील कर देती हूँ। और आज आप देख लो कि कैसे प्रॉपरली मैं इसको करती हूँ। अपने थंब के साइड से मैं उसको पकड़ के रोल करती हूँ, और उसके बाद मैं जो बाज़ार से लाया हुआ जो हमको मेहंदी कोन होता है उसके साथ हम लोगों को जो एडजस्ट एक्चुअली टिप के लिए जो एडजस्ट करने वाला जो पिन मिलता है प्लास्टिक का, मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, रख देती हूँ। और इससे मुझे बहुत आसानी होती है कोन एडजस्ट होने में। अब देख रहे हो बन गया कोन, और मैं कोन उतना ही बनाती हूँ जिसमें मेरा जो थंब है वो वही अंदर जा सके। मैं इतना पतला करती हूँ ताकि जो टिप है वो पतली रहे। और यही सीक्रेट है कि बहुत ही ज़्यादा फाइन लाइन मिलता है इससे। तो मैं उस टिप जो पिन होता है उसको टिप में लगाती हूँ, और फिर एडजस्ट करती हूँ कि वो टिप निकल रहा है या नहीं। तो अगर टिप नहीं निकल रहा, टाइट हो रहा है, देन आपको समझ जाना चाहिए कि आपका कोन रेडी है टू प्रोड्यूस। तो ऐसे ही बनता है कोन, और ऐसे ही मैं बनाती हूँ। और उसके बाद मैं उसको सेलो टेप से सिक्योर कर देती हूँ, और मैं सेलो टेप पहले ही काट के रखती हूँ, क्योंकि हम हीरो तो है नहीं जो ऐसे ही कर ले। तो हम मैं पहले ही काट लेती हूँ, और उसके बाद उसको लगा के इसको एडजस्ट कर लेती हूँ। और टिप मैं नहीं निकालती तब तक जब तक ना मैं उस पर मेहंदी फील कर देती हूँ। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा कोन मैंने बनाया है। और इससे बड़ी आसानी होती है कि हम लोग जो मेहंदी करते हैं इसमें हम लोगों को भी आसानी होती है, हम लोगों का हाथ नहीं दुखता, और हम लोगों का जो काम होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा फाइन हो जाता है जब हम इंटीग्रेट काम करते हैं। खासकर उस टाइम तो हमको ऐसे कोनों की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और इतना टाइम देने के लिए मुझको बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। तो चलती हूँ आज, और मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।